कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोतवाली, राजघाट और तिवारीपुर थाना क्षेत्रों में एक सप्ताह के लॉकडाउन के बाद अब जिला प्रशासन मंगलवार से कैंट, शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में लॉकडाउन की तैयारी जुट गया है, जिससे संबंध दूरभाष पर बात करते हुए SDM सदर IAS गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए तीन थाना क्षेत्रों में मंगलवार से लॉकडाउन की संस्तुति के लिए जिलाधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया है, जिसका निर्णय जिलाधिकारी को लेना है। अगर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमति मिल गई तो तीन थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाकर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SDM सदर IAS गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, जैसे कि शहर में केसेस की संख्या बहुत बढ़ रही है, हम देखते हैं पिछले गत 4-5 दिनों से एकदम पॉजिटिव केसेस की संख्या में उछाल आया है। तो हमने रिपोर्ट दिया था DM सर को पहले कोतवाली सर्किल के थाना क्षेत्रों के लिए, तिवारीपुर, कोतवाली और राजघाट के लिए, तो 7 दिन के लिए हमने वहां वर्दी की थी और वहां पर हमने पॉजिटिव के संपर्क में आए हुए सभी लोगों का टेस्ट कराया था, मास टेस्टिंग कराई थी और जिसमें और लोग पॉजिटिव थे उनको कंटेन किया था, उनको हमने फिर भेजा था। इसी की तर्ज पे थाना शाहपुर कैंट में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसी की तर्ज पे हमने रिपोर्ट किया है DM सर को कि इन थाने क्षेत्रों में भी उसी की तर्ज पे कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। तो सर को हमने रिपोर्ट दे दी है, मंगलवार से हमने अपना रिकमेंडेड किया है कि इन थाना क्षेत्रों में भी उसी तरीके का वो लगाए और उसके बाद फिर इन थाना क्षेत्रों में हम मास टेस्टिंग कराएंगे और जो भी पॉजिटिव के साथ संपर्क में आए हुए लोगों को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग उन सबका टेस्टिंग कराया जाएगा ताकि संक्रमण खतरे को रोक पाए। तो अब फाइनल कॉल जो फाइनल डिसीजन लेना है वो DM सर को लेना है, हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है बंदी के संदर्भ में। सर इसमें कौन कौन थाने का आपने दिया हुआ? ये हमने थाना शाहपुर और थाना कैंट और थाना गोरखनाथ, तीन थानों को रहेगा। आपने मंगलवार का दिया है कि मंगलवार से? हाँ, ये मंगलवार से बोला है क्योंकि मंडे से तो सबको टाइम मिल जाता है अपनी जो आवश्यक वो है, सभी को अपना आवश्यक वस्त्र खरीद लें और बाकी क्योंकि ऐसे टाइम पे केवल जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं और सब्जी और दूध इसके वो रहती है, अलाउ रहती है, बाकी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब बंद रहते हैं और जो भी चीज अगर आपको परचून का सामान वगैरह मंगाना है वो आप डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से, होम डिलीवरी के माध्यम से मंगवाते हैं, बाकी हर तरीके की कार्यवाही इसमें इनके अलावा बंद रहती है। ऐसे में सोमवार को अपना सारा काम करते हुए मंगलवार से हमने दिया ताकि एक दिन का टाइम मिल जाए और लोग इसमें जो भी हमारे जो लोग थाना एरिया में रह रहे हैं वो लोग अपना 3-4 दिन का सामान इकट्ठा ले लें।